नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली क्राइम फाइल और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। क्राइम फाइल की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जो आपको डरा सकती है, आप में कुछ पल के लिए खौफ पैदा कर सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन घर से अकेले नहीं निकलेंगे। ये वीडियो उस क्राइम का है जिसने घर से अकेली निकलने वाली महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खौफ का वीडियो सीसीटीवी में कैद, चाकू की नोक पर महिला से चेन स्नैचिंग, डर के मारे महिला नहीं कर पाई विरोध, घर से अकेले निकलने से पहले सोचेंगे आप। वीडियो ने खोली पुलिस के दावों की पोल। पूर्वी दिल्ली क्राइम फाइल में जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको डराने के लिए काफी है। खबर ऐसी है जो कुछ पल के लिए आपकी नसों में बहरे खून को जाम कर देगी। और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये दिल्ली है। वीडियो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सिलमपुर से सामने आया है जहां एक महिला बेटे के साथ जाती हुई नजर आ रही है। तभी बाइक पर सवार बदमाश वहां आते हैं, फिर क्या होता है आप भी जरूर देखें। बदमाश महिला से चेन मांगता है, वो विरोध करती है। तभी बदमाश लंबा चाकू निकालकर महिला को दिखाता है। जैसे महिला खौफ में आ जाती है। महिला की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हल्ला कर पाए और तब तक बदमाश चेन लेकर फरार हो जाता है। ये वीडियो देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, आप सोचने के लिए मजबूर हो गए होंगे। ये वीडियो दहशत पैदा करता है, ये वीडियो डराता है, ये वीडियो रोकता है रात के समय अकेली गलियों में जाने से, क्योंकि ऐसा हादसा आपके साथ, हमारे साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखें कि किस प्रकार बदमाश महिला को चाकू दिखाकर लूटता है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और ये सीसीटीवी फुटेज बताने के लिए काफी है कि पूर्वी दिल्ली में बदमाशों को कानून और खाकी का कोई खौफ नहीं है। इससे पहले भी चोरी, लूटपाट, चेन स्नैचिंग की कई वारदातें पूर्वी दिल्ली से सामने आ चुकी हैं, लेकिन चाकू वाला लुटेरा पहली बार सीसीटीवी में कैद हुआ है। सीसीएन के लिए क्राइम डेस्क के साथ अदिति की रिपोर्ट।
दिल्ली पुलिस आंकड़े जारी करके कहती है कि दिल्ली में अपराध का ग्राफ कम हो चुका है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। क्राइम फाइल में अब आपको कृष्णा नगर की खबर दिखाएंगे, जहां बदमाशों ने युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या। शाम के समय घर से घूमने निकला था युवक। मामूली विवाद पर कर दी गई युवक की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस बेशक दावा करती है कि दिल्ली में क्राइम रेट में कमी आई है, मगर सच्चाई कुछ और है। दिल्ली में हालात ऐसे बने हुए हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान लेने से पीछे नहीं हटते। खबर पूर्वी दिल्ली के थाना कृष्णा नगर से है, जहां बदमाशों ने एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। परिवार का कहना है कि बेटा रात को घर के पास घूमने निकला था, तभी चार लड़कों ने उसे घेर कर चाकुओं से हमला कर दिया। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, मगर वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नहीं दोस्त नहीं थे, पता नहीं है भैया, हमें पहचानते नहीं है। नहीं मेरे अशोक की किसी से दुश्मनी नहीं थी भैया, उसे धोखे से मार दिया बच्चे को मेरे चाकू पेट में। ऐसा था, वो घूमने को गया था तो रास्ते में कहा किसी की और की लड़ाई थी और लोगों की, और ये तो खाली घूमने गए थे, इन्हें पता थोड़ी नहीं थी कहाँ थे कि हम हमारे ऊपर लिपट जाएंगे ये लोग। हाँ हाँ, तो वो लोग इन पे लिपट गए। वो अच्छा लिपट गए तो उसके चाकू फाकू मार दिए, ब्लेड ब्लेड मार दिए। परिवार की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छोटी छोटी बातों पर किसी की जान लेना दिल्ली में आम सी बात होती जा रही है, और ये वारदातें दिल्ली पुलिस के दावों पर भी सवाल खड़े करती हैं। सीसीएन के लिए क्राइम रिपोर्टर अदिति की रिपोर्ट। चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या। शाम के समय घर से घूमने निकला था युवक। मामूली विवाद पर कर दी गई युवक की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस बेशक दावा करती है कि दिल्ली में क्राइम रेट में कमी आई है, मगर सच्चाई कुछ और है। दिल्ली में हालात ऐसे बने हुए हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान लेने से पीछे नहीं हटते। खबर पूर्वी दिल्ली के थाना कृष्णा नगर से है, जहां बदमाशों ने एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। परिवार का कहना है कि बेटा रात को घर के पास घूमने निकला था, तभी चार लड़कों ने उसे घेर कर चाकुओं से हमला कर दिया। हादसे की सूचना के बाद
मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, मगर वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नहीं दोस्त नहीं थे, पता नहीं है भैया, मैं पहचानते नहीं है। नहीं मेरे अशोक की किसी से दुश्मनी नहीं थी भैया, उसे धोखे से मार दिया बच्चे को मेरे चाकू पेट में। ऐसा था वो घूमने को गया था तो रास्ते में कहा था किसी की और की लड़ाई थी और लोगों की, और ये तो खाली घूमने गए थे, इन्हें पता थोड़ी नहीं थी कहाँ थे कि हम हमारे ऊपर लिपट जाएंगे ये लोग। तो वो लोग इन पे लिपट गए, वो अच्छा लिपट गए तो उसके चाकू फाकू मार दिए, ब्लेड ब्लेड मार दिए। परिवार की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छोटी छोटी बातों पर किसी की जान लेना दिल्ली में आम सी बात होती जा रही है, और ये वारदातें दिल्ली पुलिस के दावों पर भी सवाल खड़े करती हैं। सीसीएन के लिए क्राइम रिपोर्टर अदिति की रिपोर्ट। पिस्टल, कट्टा, देसी रिवॉल्वर और चाकू दिल्ली में बदमाशों की शान बनते जा रहे हैं। हर किसी बदमाश के पास अब पिस्टल देखने को मिलता है, और इसी का नतीजा है कि आए दिन गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। क्राइम फाइल में अब खबर सीलमपुर से, जहां बदमाशों ने दो युवकों पर अंधाधुंध गोलियां फायर कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूर्वी दिल्ली में बेखौफ बदमाश, बदमाशों ने दो युवकों पर चलाई गोलियां। गोली लगने से घायल हुए दोनों युवक, घायल युवक का चल रहा है इलाज। पुलिस कर रही बदमाशों की तलाश। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जे ब्लॉक में कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अज्ञात बदमाशों की फायरिंग में दो लोग बुरी तरह घायल हो गए। जिसके बाद मौके पर मौजूदा लोगों ने दोनों युवकों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। हम यहां पर खेल लेते बैठे हुए, जैसे घर के सारे यार दोस्त होते हैं अपने, ऐसे सारे मोहल्ले पड़ोस के, यहां पर ऑटो रुका, ऑटो में से चार पांच बंदे थे जिनको हम जानते हैं। एक का नाम अकरम था, एक का नाम वीशु था, एक का नाम चीनू था, एक का नाम होगा था आशु था, अज्जू था, ये चार पांच छह सात बंदे थे, वशिम मोटा था, सन्नी था, इन्होंने गोलियां चलाई है अंधाधुंध आते के साथ ही। और एक ये क्या नाम है, बाबा खानदान के, बाबा खानदान के, बाबा खानदान के ब्लॉक के ये शूटर है सारे, ये यहाँ पर मुठभेड़ करते हैं, पैसा छीनते हैं, मोबाइल छीनते हैं, जेब कतरों को मार के पैसे वैसे सब छीनते हैं। ना तो बैठे बिठाई होके गोलियां मार के गए, वो तो ऐसे ही कैन सुनी हो गई तीन के बच्चों की आपस में। वही घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आए दिन हो रही गोलीबारी की घटनाओं ने दिल्ली पुलिस के सामने
एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार बदमाशों तक हथियार कहां से और कैसे पहुंच रहे हैं। सीसीएन के लिए रिपोर्टर अदिति की रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के मधुबार इलाके में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोपी बच्ची को स्कूल छोड़ने के बहाने ले जाता था और बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के साथ हैवान ने किया दुष्कर्म। बच्ची के पड़ोस में रहता था युवक। बच्ची को भैला फुसला के ले जाता था घर। दो बच्चों का पिता है आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मधु बिहार के थाना क्षेत्र में 16 साल की लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। लड़की के साथ बलात्कार उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने किया है। हैरानी की बात तो यह है कि युवक शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। आरोपी युवक ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब उसकी बीवी घर से दूर थी। आरोपी ने 11 कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को भैला फुसला कर अपने घर ले गया और अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता की माने तो आरोपी युवक ने लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आए दिन उसके साथ बलात्कार करने लगा। घर वालों को घटना के बारे में तब मालूम चला जब स्कूल से फोन आया कि आपकी बच्ची कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही। जो 11 साल की है, छात्रा है, उसको अपनी पढ़ाई के लिए जा रही थी तो रास्ते में पड़ोस में ही रहने वाला एक शख्स, जो कि पप्पू नाम का शख्स है, उम्र के 34 साल है, उसने जो है इसके साथ ले जाके गलत काम किया है। उसको अपने मोटरसाइकिल पर बैठने लिए उसने कहा और कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा और इस बहाने वो ले गया, उसको ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। माता पिता ने जब बच्ची से बात की तो पता चला कि उसका पड़ोसी उसके साथ दुष्कर्म करता है। घटना के बाद घरवाले बच्ची को थाने लेकर पहुंचे, जहां उसने अपनी आपबीती पुलिस को सुनाई। बच्ची की आपबीती सुनने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में बदमाश बेखौफ हैं और वो कहीं भी वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते। आए दिन चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, दिन दहाड़े घर से चोरियां आम सी बात हो चुकी हैं। ऐसी ही एक खबर पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार से सामने आई, जहां बदमाशों ने युवक से चेन झपट ली और देखते देखते फरार हो गए। पूर्वी दिल्ली में चेन स्नैचरों का खौफ। आए दिन हो रही हैं चेन स्नैचिंग की वारदातें। स्नैचरों ने स्कूटी सवार युवक को बनाया निशाना, बातों में उलझा कर दिया वारदात को अंजाम। पूर्वी दिल्ली इस वक्त चेन स्नैचरों के खौफ में है। प्रीत विहार में चेन स्नैचरों ने स्कूटी सवार युवक को निशाना बनाया है। पीड़ित का कहना है कि वो कहीं जा रहा था, तभी बाइक पर आए सवार दो बदमाशों ने उसे रोककर बातों में उलझा लिया। जिसके बाद एक युवक ने उसकी चेन पे हाथ डाला और वो विरोध करता, उससे पहले उसके ऊपर पिस्टल तान दी गई। पीड़ित का कहना है कि वो कहीं जा रहा था, तभी बाइक सवार दो युवक आते हैं और उसे रोककर बातों में उलझा लेते हैं। जिसके बाद एक युवक
उसकी चेन पे हाथ डालता है और जब वो विरोध करता है तो उसके ऊपर पिस्टल तान दी जाती है। मैम, मैं 24 तारीख को मैं 7:15 बजे करीब मैं अपने जिम से लौट रहा था। यहाँ से जिम है मेरा यहीं पे फिजिक जिम, तो मेरे को कुछ दो बंदे स्कूटी पे फॉलो कर रहे थे, तो एकदम मेरे पास आए तो अपने आप के पीछे हो गए, फिर आगे आके उन्होंने मुझे ओवरटेक करके आगे स्कूटी लगा दी मेरे, तो एकदम मेरी कीज़ उन्होंने कीज़ ले ली, तो मेरे को ऐसी बातों में अपनी बातों में लगाया कि पीछे से कैसे स्कूटी चलाते आ रहा है, तो ये फिर मुझे साइड में लेके गए, मुझे अपनी रिवॉल्वर शो करी, तो कहते अपनी चेन दे दे ज़रा, तो एकदम मैंने फटाफट घबरा के मतलब मैंने उसकी रिवॉल्वर पर हाथ करा, तो एकदम दूसरा वो जो सेकेंड पर्सन था उसने कहा कि शूट कर दे इसे, गोली मार दे इसे, तो इतनी देर में वो मैं पीछे हुआ, वो एकदम मेरी चेन उतार के ले गए वो। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया? पुलिस ने तो मैम कुछ नहीं किया, बस मेरे को हमें ले गए पृथ्वीहार थाने, वहाँ पे जाके स्टेटमेंट लिखवाई मेरी, तो उन्होंने ज़्यादा रिवॉल्वर का जैसे मेंशन नहीं किया कुछ ऐसा, बस ये किया कि बातों में उलझाया। तो एरिया तो मैम चलती हुई रोड है यहाँ पे, तो हमें लगता ही नहीं था, मैं तो डेली आना जाना है मेरा तो यहाँ से। वही पीड़ित ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं, उसका कहना है कि पुलिस मामले की सही से जांच नहीं कर रही। पूर्वी दिल्ली के मधुविहार थाना इलाके में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि ससुराल ने दहेज न मिलने पर बेटी की हत्या की और फिर उसे फांसी पर लटका दिया। वह मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी। नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। शादी के बाद ससुराल कर रहा था गाड़ी की मांग, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पूर्वी दिल्ली के मधुविहार इलाके में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका के परिजनों का कहना है कि बेटी की शादी मधुविहार के रहने वाले ऋषिपाल से 6 महीने पहले हुई थी। परिवार का आरोप है कि शादी के समय ऋषिपाल के परिवार वाले 2.5 लाख रुपए और एक कार की डिमांड कर रहे थे, जिसके बाद अनीता के परिजनों ने 2.5 लाख रुपए तो दे दिए लेकिन कार नहीं दे पाए। हमारे पास इनने फोन कराया, उससे पहले इनने लड़की को ख़त्म कर दिया, उसके बाद 100 नंबर पे एक कॉल पहले करिए और एक कॉल उसके बाद करिए, लड़की ख़त्म होने के बाद इनने जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है। भर्ती करने के बाद क्या होता है, हमारे पास फ़ोन जाता है, हम वहाँ से आए तो हमें डॉक्टर से डायरेक्ट मिले थे। मिलने के बाद जब उनसे पूछताछी करी थी डॉक्टर साहब से, तो उनने कहा था कि सीधे गले पे निशान है, कहीं जख्म नहीं है, कुछ नहीं है, और गले को दाब के और मारा गया था लड़की। 30 अप्रैल को मेरी बहन की शादी हुई थी, दहेज मांगने के चक्कर में गाड़ी मांगता था, पैसा मांगता था और कैश मांगता था, डेली प्रेशर देता था मेरी बहन को। 5 लाख रुपए मैं अभी 10 दिन पहले समझा के गया था घर पे, और उसके बाद आज इन्होंने फांसी लगा दी मेरी बहन को। और उस समय शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद से ही ऋषिपाल का परिवार लगातार कार की मांग कर रहा था, जिसके चलते कुछ दिन पहले समझौता हुआ और परिवार ने दुल्हे को एक बाइक दी थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि देर शाम ऋषिपाल के एक दोस्त ने उनकी बेटी के भाई को फोन किया और बताया कि उनके बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन जब परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो बेटी मृत पाई गई। और लोग कह रहे सब जगह मिला के लेकर आए, ऐसी बात नहीं है कि मिला के नहीं लेकर आए, मिला के लेकर आए सब जगह। कह रहे अब लास्ट बार मिल रहे, लड़की ने घर आके बताया भी है, 2.5 लाख रुपया दिया, और अभी कल परसों भी 50,000 रुपया दिया है उस टाइम संडे वाले दिन, संडे वाले दिन, और पूरा परिवार गया हमारे यहाँ, अनीता को मारा गया है फांसी लगा के, हमेशा
हमेशा दहेज की मांग करते थे कि 5 लाख रुपए दो और 4 पहिए की गाड़ी दो। परिवार का कहना है कि ससुराल वालों ने बेटी की हत्या करके उसे फांसी पर लटकाया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अब आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके। इससे पहले भी देश में दहेज कई बच्चियों की जान ले चुका है। सीसीएन के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। क्राइम फाइल में बात अब एक ऐसी खबर की जो कुछ अलग है। पिंक लाइन की शुरुआत होने के बाद मेट्रो से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ स्कूल के बच्चे मेट्रो में चढ़ते हैं और जमकर मस्ती करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि लोग रोकने की बजाय बच्चों का वीडियो बनाते हैं। पिंक लाइन में बच्चों के स्टंट। मेट्रो की शुरुआत होने के बाद किए स्टंट। मेट्रो के अंदर झूलते रहे बच्चे। बच्चों की मस्ती का वीडियो हुआ वायरल। पिंक लाइन मेट्रो की शुरुआत बुधवार को हो गई थी और पूर्वी दिल्ली सहित उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने इस पर काफी खुशी जताई थी। मगर इस खुशी के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आईं जिसने मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मेट्रो की शुरुआत होने के कुछ देर बाद उसमें कुछ स्कूली बच्चे पहुंचते हैं, मगर वो इस दौरान कानून की धज्जियां उड़ाते हैं क्योंकि वो मेट्रो के अंदर स्टंट करना शुरू कर देते हैं। वो कभी मेट्रो के अंदर लटकते हैं तो कभी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते और उतरते हैं। आप खुद इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार की लापरवाही इन बच्चों के द्वारा बरती जा रही है। वहीं बच्चों की इस मस्ती को कुछ लोग कैमरे में कैद कर लेते हैं। मस्ती का वीडियो वायरल हो चुका है। आप भी देखिए किस प्रकार बच्चे मेट्रो में मस्ती करते हैं। पूर्वी दिल्ली क्राइम फाइल में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सीसीएन। नमस्कार।